हेलो फ्रेंड्स, ममता वेंचर ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ अपना फर्स्ट ब्लॉग, और कोई भी कुकिंग वीडियो या मेकअप वीडियो नहीं है आज। आज हम जाने वाले हैं वृंदावन, और मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर हमने क्या क्या देखा और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं देखने लायक। यहाँ हम जा रहे हैं गोकुल धाम, और यहाँ पर गोवर्धन पर्वत है। ये पूरा 21 किलोमीटर की परिक्रमा है जो हमने की है, पैदल नहीं किया, हमने रिक्शा में किया। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं और नहीं जा सकते पैदल किसी कारण से, तो आप रिक्शा से चक्कर लगा सकते हैं। और जो थोड़े मंदिर हैं वहाँ पर बड़े बड़े मंदिरों को उतरकर आप रिक्शा से और उन्हें देख सकते हैं। ये हम पहुँच गए हैं क्योंकि गोवर्धन पर्वत है, यहाँ पर जल चढ़ाया जा रहा है। सभी लोग यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं। और अब हम आ गए हैं बाहर, थोड़ा आगे चले हैं। यहाँ पर एक गोवर्धन पर्वत जैसी थोड़ी सी एक मूर्ति बनी हुई है, और सभी उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। फिर हम चलते हैं आगे आगे, कृष्ण जी का मंदिर है। बहुत ही सुंदर मंदिर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद हम आगे एक कुंड पड़ता है, वहाँ पर बहुत ही सारे कुंड हैं। आप गोकुल की परिक्रमा करेंगे जब गोकुल धाम की, तो आपको छोटे छोटे से वहाँ पर बहुत कुंड अलग अलग जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर दिखाई देते जाएंगे। बहुत ही सुंदर कुंड है ये। यहाँ पर अगर आप बैठेंगे सुबह सुबह बहुत ही शांति का अनुभव होता है। और ये गोकुल धाम की बाहर का दृश्य है। ऊपर भी एक मंदिर बना हुआ है, हम लोग वहाँ तक नहीं गए, बहुत ही ठंडा मौसम था। बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आपके मन में श्रद्धा भाव है कान्हा जी के लिए, तो आपको यहाँ अगर आप पूरा जीवन भी बिताना चाहें तब भी कम पड़ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम आ गए हैं राधा रानी जी के मंदिर। हम क्योंकि थोड़ा देर हो गई थी, हमें समय का पता नहीं था कि किस टाइम कौन सा मंदिर खुलता है या कौन सा टाइम किस टाइम बंद हो जाता है मंदिर। तो ये लाडली जी का मंदिर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस समय ये बंद हो चुका है, अब इसके द्वार जो हैं वो 4 बजे खुलेंगे। यहाँ पर कीर्तन हो रहा है। और अगर आप वृंदावन मथुरा जाएंगे तो वहाँ आपको सिर्फ एक ही नाम सुनाई देगा, सिर्फ राधा कृष्ण जी का नाम। सब उन्हीं की भक्ति में मग्न है। ये मंदिर का द्वार है देखिए जो बंद हो चुका है। हमें करीब समय हो गया था 2 बजे, और ये मंदिर अब खुलेगा शाम को 4 बजे के बाद। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, यहाँ हो रहा है कीर्तन। बहुत ही सुंदर यहाँ पर भजन है। अब उसके बाद हम चल दिए हैं आगे बिहारी जी के दर्शन करने, जो कि मथुरा हम जाएंगे। और मेन तो वही है मथुरा जी, मथुरा में बाकी बिहारी जी का मंदिर। कान्हा जी की छवि को जब आप देखेंगे तो आप उसी में खो जाते हैं, बहुत ही सुकून मिलता है उन्हें देखकर।
उनकी छवि है ही इतनी मनमोहक कि आप उसे इग्नोर ही नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते बिल्कुल। थोड़ा दूर पड़ता है ये, करीब 35 किलोमीटर। अब देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ प्रेम मंदिर। हम पहुँच गए हैं प्रेम मंदिर, शाम का समय है अभी। उस टाइम ये मंदिर बंद है, ये 7 बजे खुलता है और यहाँ पर करीब 6:30 बजे का समय है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ और सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे मंदिर खुले और कैसे दर्शन करें। बहुत ही सुंदर बना हुआ है, अगर आप इसे देखेंगे मेरी भी खींचो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर जो कालिया नाग था उसके ऊपर अठखेलिया करते हुए कृष्ण जी भी बने हुए हैं और बाकी गोकुलवासी दिखाए गए हैं। और ये जो है ये बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर का प्रवेश द्वार है, बहुत सारे द्वार हैं और ये बना हुआ है पाश्चात्य राजस्थानी शैली में, बहुत ही सुंदर है। आप ज़रूर जाएं एक बार और ज़रूर देखें इसे। और आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और ब्लॉग लेके आती रहूँ। तो मेरे साथ बोलते रहिए राधे राधे, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट स्क्रिप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जपते रहिए राधे राधे।